नमस्कार दोस्तों, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम आज पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना ही जीएस पेपर 2 जहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ये टॉपिक रेलेवेंट हो जाता है, परंतु अगर मैं जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बात करूँ तो उस दृष्टिकोण से भी, उस एंगल से भी ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एथिक्स की बात करें तो मोरालिटी, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आप अपने एथिक्स में पढ़ते हो, और वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात जब आती है तब इट हैज़ एन ओवरलैप बिटवीन या जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4। इसलिए मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर है, राइट? अब ये क्वेश्चन दो, ये जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसके ऊपर यूपीएससी ने इनिशियली जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 2 दोनों जगह पे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक्सप्लेन करना है, तो फिलहाल तो आप क्या करिए, आप अपना पेन और पेपर लीजिए और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस करेंगे कि इसका अच्छा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था और किस तरीके से हमें इस आंसर को लिखना चाहिए था। डोंट फॉरगेट, इस क्वेश्चन, इस आंसर में आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भी रेफरेंस देना होगा, क्योंकि ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये टर्म उन्हीं से आई हुई है। सो देयरफॉर डोंट फॉरगेट टू मेंशन हिम। ओके, सो ऑन दैट नोट आई लीव द क्वेश्चन ओपन टू यू, स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। उसके बाद 10 मिनट के बाद हम इस पर्टिकुलर आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, आई एम स्टार्टिंग द टाइमर नाउ, द टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट गाइस।
ओके गाइस, सो द टाइम इज अप, प्लीज पुट डाउन योर पेंस. ठीक है, चलो आई होप सभी लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आंसर लिखा होगा. आइए चलिए इस पर्टिकुलर आंसर को डिस्कस करते हैं. इस पर्टिकुलर आंसर का क्या फॉर्मेट चाहिए था, लेट अस ट्राई टू डिस्कस ऑल द थिंग्स. ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैंने कहा कि इसका ओवरलैप बहुत ज़्यादा है GS2 और GS4 के साथ भी, इस पर्टिकुलर टॉपिक का ओवरलैप बहुत ज़्यादा है. तो इसके लिए पहले इस टर्म को समझ के लेते कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता क्या होती है. ओके, हम सभी को मोरालिटी इस वर्ड का मतलब पता है, राइट? और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या राह दिखाता है, कौन से सही राह पे चलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है. ऑल दैट थिंग विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. फॉर इंस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है अबाउट इक्वालिटी, राइट? समानता के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है. सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये मॉरल वैल्यूज दे रहा है कि हमें सबको एक इक्वल तरीके से देखना है. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहता है, राइट टू लिबर्टी, ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल वैल्यूज है ये जो हमें बताते हैं कि हमें कौन सी राह के ऊपर चलना है, राइट? सो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटी वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आती है, एंड इट इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स. एसेंशियल फैसेट्स का मतलब होता है कि बेस कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी के ऊपर से या उसी से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिराइव किया जाता है. फिर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या, वो हमें एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस. ओके, अब नाउ फेयरली प्राइमा फेसी क्वेश्चन हमें बहुत सिंपल लग रहा है, पर हमें, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस वर्ड का मतलब समझ में आया, वी कैन इजीली राइट डाउन द आंसर. तो जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मॉरल वैल्यूज बताता है, जैसे इक्वालिटी की वैल्यू मैंने बताई, लिबर्टी की वैल्यू मैंने बताई, सेक्युलरिज्म की वैल्यू मैंने बताई, राइट? जस्टिस मैंने आपको, जस्टिस एक चीज़ है जो इससे आती है, राइट? सो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे मॉरल वैल्यूज है, ये सारे जो मॉरल वैल्यूज है ये हमें बताते हैं कि हमें किस राह के ऊपर चलना है, हमें या हमारे देश के सभी लोगों को किस राह के ऊपर चलना है. व्हाट पाथ डू वी हैव टू फॉलो, दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन टीचेस अस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डेफिनेशन लिखना हो या फिर इंट्रोडक्शन लिखना हो, मुझे इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या. ओके, अब जैसे मैंने कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये जो टर्म है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लाई थी. सो बेसिकली व्हाट आई कैन स्टार्ट इज कि अगर हो सके, अगर यही क्वेश्चन एथिक्स में आता है तो आई कैन स्टार्ट माई आंसर विद अ टर्म, ओके, जहाँ पे मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कोट करते हुए ये कह सकता हूँ कि द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इम्प्लाइज द हार्मोनियस इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्निंग एंड द गवर्न्ड. तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. आप इस कोट के साथ भी अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हो, या फिर आपको कोट याद नहीं है तो आप ये बेसिकली आप एग्जामिनर को समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है, राइट? सो हमने क्या बताया पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मींस द अडियरेंस टू द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेसी, राइट? अडियरेंस टू द नॉर्म्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें वैल्यूज बताता है उन वैल्यूज को फॉलो करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से वैल्यूज को बता रहा है, एक इक्वालिटी हो गई, राइट? फिर जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, ओके, ये सारे जो वैल्यूज है, ऐसे और भी बहुत वैल्यूज है, मैंने बस एक दो तीन एग्जांपल्स आपको बताए. इन वैल्यूज को फॉलो करना, इन वैल्यूज को फॉलो करना मतलब दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ठीक है, सो पहली लाइन में हमने यही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब ये जो वैल्यूज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, अडियरेंस टू नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. इट इंक्लूड्स अ कमिटमेंट टू एन इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इन विच बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आर बीइंग सैटिस्फाइड. ओके, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन बता दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता क्या है. हमने बताया कि ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ पॉइंट करता है इन विच बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आर बीइंग सैटिस्फाइड. मतलब आपके अधिकार भी सैटिस्फाई किए जाते हैं और सोसाइटी के जो कलेक्टिव अधिकार है वो भी सैटिस्फाई किए जाते हैं, राइट? ये तो हमने डेफिनेशन बता दी, बट इन ऑर्डर टू टेल द एग्जामिनर मोर, एग्जामिनर को और चीज़ें बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर एक डायग्राम के माध्यम से एग्जामिनर को बता सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से स्टेम आउट होती है, राइट? तो हमने एग्जामिनर को बताया कि सबसे पहले प्रीएम्बल है,
जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बताता है, जो हमने जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के बारे में देखा, दैट स्टेम्स आउट फ्रॉम प्रीएम्बल, राइट। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स है, अगेन इक्वालिटी के बारे में, लिबर्टी के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में, राइट, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें बता रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात चल रही है, ओके, यहाँ पर एजुकेशन के रिलेटेड बात चल रही है, राइट। उसके अलावा दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगेन दीज आर सम मॉरल वैल्यूज एंड वापस फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो वापस हमें कुछ मॉरल वैल्यूज के बारे में बताता है। अब ये चार चीज़ें छोड़कर, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये चार चीज़ें छोड़कर और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बता रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, राइट, जहाँ पर अगेन रूल ऑफ लॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि हमें कहा गया है कि हमें रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, राइट, ओके, सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो ये डेफिनेशन और ये डायग्राम के माध्यम से मैंने, हमने एग्जामिनर को क्या बताया, हमने एग्जामिनर को पहला पार्ट ये किया कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या, ये हमने एग्जामिनर को इन दो पॉइंट से समझाया है, राइट, थ्रू द डेफिनेशन, ये हमने हमारे वर्ड्स, या आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या, राइट, अडियरिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ कहाँ से स्टेम आउट होती है, तो ये डायग्राम के माध्यम से हमने एग्जामिनर को बताया कि कौन कौन से एरियाज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी स्टेम आउट होती है, राइट। अब ये चीज़ होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस, ओके, रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक्सप्लेन कीजिए। सो नाउ इन द सेकेंड पार्ट हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस देंगे जहाँ पर हम बताएंगे कि इन केसेस से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कैसे अपहेल्ड किया गया है, राइट। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विच हैव टाइम एंड अगेन एम्फसाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पहला है पुत्तास्वामी जजमेंट। अब पुत्तास्वामी जजमेंट में आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी, ये चीज को फंडामेंटल राइट माना गया था, राइट, है ना, वी ऑल नो दिस, राइट टू प्राइवेसी वाज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर द जस्टिस के एस पुत्तास्वामी जजमेंट, राइट। सो यहाँ पर अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर एम्फसाइज किया गया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही थी, वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंश्योर्स कोर्ट्स मस्ट न्यूट्रलाइज द एक्सेस पावर बाय द एग्जीक्यूटिव एंड स्ट्राइक डाउन एनी लेजिस्लेचर और इवन एग्जीक्यूटिव एक्शन इफ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि ये कोर्ट्स की, मतलब जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रली अपनी पावर यूज करे तो उस वक्त उन लॉज को या एग्जीक्यूटिव एक्शंस को हम स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। विच मीन्स वॉट, इन शॉर्ट ये जो पार्ट है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो ये जुडिशियल रिव्यू की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एंड जुडिशियल रिव्यू इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्यों बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो इम्पोर्टेंट मॉरल वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन के वो जुडिशियरी प्रिजर्व कर पा रही है, बिकॉज वी नो सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके बारे में आफ्टर दिस यू हैव द शबरीमाला केस, राइट। शबरीमाला केस में वी ऑल नो कि व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वुमेन इन द मेंस्ट्रुएटिंग एज वर अलाउड टू एंटर द शबरीमाला श्राइन। तो इस पर्टिकुलर चीज से भी द सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विच इंक्लूड वैल्यूज लाइक जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, इन चीजों को अपहेल्ड किया गया, राइट, बिकॉज इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन वॉज अपहेल्ड। यह अलग बात है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट को वापस चैलेंज कर दिया गया है, एंड दैट इज वो अभी भी इट इज अंडर द रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट स्टिल अंडर दिस पर्टिकुलर केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी। देन वी हैव द नवतेज सिंह जौहर केस, राइट। अब नवतेज सिंह जौहर केस में सेक्शन 377 जो LGBTQI कम्युनिटी के राइट्स के लिए फाइट ये राइट्स है, राइट। सो बेसिकली इन द नवतेज सिंह जौहर केस सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड या अपहेल्ड द राइट्स ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इन ये जजमेंट्स आपको इन जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन, ये देखो नवतेज सिंह जौहर केस में इक्वालिटी की बात की है, शबरीमाला केस में इक्वालिटी की बात चल रही है, पुत्तास्वामी केस में प्राइवेसी जैसे राइट को इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट माना गया। तो ये इन सारे जजमेंट्स है टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ दर्शाई है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड बी अपहेल्ड। वापस केशवानंद भारती केस है जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर
का डॉक्ट्रिन ला दिया गया था। आप सभी को, हम सभी को पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केबीसी केस से आया था, पर इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस तरीके से पावर दे के रखी है कि अगर कल एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपनी पावर का आर्बिट्री यूज करके अगर कुछ ऐसे मॉडल वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि नहीं नहीं ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। सो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर भी केचुअल भारतीय केस से आ रहे हैं। एंड लास्ट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल हाई फंक्शंस नीड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज स्पेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन पांच जजमेंट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, पर क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए था और 150 वर्ड्स में हमें इसका आंसर लिखना है, हमने इन पांच जजमेंट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया। ऑब्वियसली आप अपने आंसर्स में इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे हर जजमेंट को, क्योंकि आपके पास उतना वर्ड लिमिट नहीं होगा, पर मैंने सिर्फ इस आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए इन पांच कोर्ट केसेस का एग्जाम्पल लिया है, राइट। इसके अलावा अब हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ, प्रिजर्व्स पीपल ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इन्फ्लुएंस एंड चेंजेस द प्रीवेलिंग सोशल मोरालिटी, एंड इट रिकॉग्नाइजेस सोसाइटीज प्लुरालिटी एंड डाइवर्सिटी। अब इस हर एक पॉइंट को थोड़ा समझ के लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। पहले इन्होंने बताया कि इट इज हेल्पिंग इन एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ, राइट। बेसिकली नाउ हाउ इज इट हेल्पिंग इन एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ, अगर आप और मैं या हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल वैल्यूज को लेटर एंड स्पिरिट में अडियर करें, उसको फॉलो करें, तो बेसिकली दिस सोसाइटी वुड फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दैट इज नथिंग बट फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल अगर हम सभी इक्वालिटी में माने और अनटचेबिलिटी को लेटर एंड स्पिरिट में हम खदेड़ दें, तो आपको लगता है कि कहीं पर भी दलित डिस्क्रिमिनेशन होगा, कहीं पर भी जो माल प्रैक्टिसेस की जाती है दलित लोगों के साथ वो होगी, नहीं होगी? व्हाई? बिकॉज यू एंड मी एंड एवरी पर्सन इन इंडिया इज अडहियरिंग टू दैट नॉर्म ऑफ इक्वालिटी। तो इससे क्या होगा, रूल ऑफ लॉ मेंटेन होगा, दैट इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट इज प्रिजर्व्स पीपल्स ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोगों का विश्वास और बढ़ता है क्योंकि लोगों को पता है कि एवरीथिंग इज बीइंग फॉलोड बाय रूल ऑफ लॉ, ओके, और इसीलिए लोगों का जो डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास है वो और ज्यादा गहरा होते जाता है। इट इन्फ्लुएंसेस एंड चेंजेस द प्रीवेलिंग सोशल मोरालिटी, जो प्रीवेलिंग सोशल मोरालिटी है उसे चेंज करने में मदद होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक ये माना जाता था कि जैसे सबरीमाला केस का एग्जाम्पल, वुमेन इन द मेंस्ट्रुएटिंग एज आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, बट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी मॉरल वैल्यूज बता रहे हैं हमको, इक्वालिटी की मॉरल वैल्यूज बता रहे हैं, फ्रेटर्निटी की मॉरल वैल्यूज बता रहे हैं, वो मॉरल वैल्यूज से हमने सोशल मॉरलिटी चेंज कर दी और हमने बताया बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आप टेम्पल में वुमेन को अलाउ करो क्योंकि इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी, अगेंस्ट आर्टिकल 14। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ने सोशल मॉरलिटी को चेंज करने की कोशिश की, एंड इट रिकॉग्नाइजेस सोसाइटीज प्लुरालिटी और डाइवर्सिटी, सोसाइटी की जो प्लुरल वैल्यूज है, डाइवर्स वैल्यूज है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, राइट। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन वी कम टू द कंक्लूजन वाला पार्ट, वी कैन टेल द एग्जामिनर कि विद कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेंड्स टू बिकम आर्बिट्ररी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नहीं रही तो रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा क्या? नहीं होगा, राइट। यही पे हमने कहा था कि इंपॉर्टेंस क्या, इट हेल्प्स अस इन फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होगा, ओके। हेंस इट इज रिक्वायर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट फॉर द लॉज टू बी इफेक्टिव, कि अगर हमें लॉज को इफेक्टिव करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना होगा। अब ये लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये आपका और मेरा भी काम है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन आपका और हमारा भी है, और हमें ही उन मॉरल वैल्यूज को जितना हम फॉलो करेंगे उतनी सोसाइटी और बेहतरीन बनते जाएगी, राइट। सो देयरफॉर दिस वाज द आंसर दोस्तों, ओके। नाउ जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक जो है आपके जीएस पेपर 4 से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप दैट वी आर एबल टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी जस्टिफिकेशन टू दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। चलिए, सो ऑन दैट नोट, this was today's answer, but before going let us talk about textbook super coaching. Textbook super coaching is this one stop solution for your UPSC CAC preparation. Agar aap civil service exams ki taiyari kar rahe ho aur agar aap chahte ho ki aapki taiyari ghar baithe baithe ho aur aapko ghar baithe baithe india ke best resources, best study material, best teachers aur best institutions ki coaching mile, to textbook super coaching aapke liye wo ek one stop solution hai. kyun? kyunki hum aapse kehte hain ki sirf aap ek single subscription buy kijiye aur us ek single subscription mein hum aapko provide kar rahe almost 30 plus video courses. ab ye 30 plus courses are available both in hindi and english,
ओके. नाउ इन 30 प्लस कोर्सेज को हमने कैसे सेग्रीगेट किया है? वी हैव सेग्रीगेटेड इट इनटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट कोर्सेज. अब जैसे जीएस कोर्सेज में हमने वी हैव टोटल 6 जीएस कोर्सेज व्हिच आर मॉडल्ड ऑन GS1, GS2, GS3 एंड GS4. फिर सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज है व्हिच आर मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री. उसके अलावा वी हैव कवर्ड मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शंस, जैसे उसमें आपका PSIR, सोशो, पबैड, एंथ्रो, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शन सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कवर्ड हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि CSAT इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट? स्पेशली पोस्ट 2019 का प्रीलिम्स, CSAT हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो CSAT को इफेक्टिवली क्लियर करने के लिए हमने अलग से एक CSAT का भी कोर्स लॉन्च किया, जिसमें टोटल 6 कोर्सेज है और 300 से भी ज्यादा वीडियोज है. अब इन वीडियो कोर्सेज के अलावा आपको हम डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं एंड स्टडी नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. इन सारी चीज़ों के अलावा वन वेरी गुड थिंग अबाउट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज, जैसे मैंने कहा कि आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्रीराम सर हो गए, सलामुद्दीन अंसारी सर हो गए, इन जैसे दिग्गजों के साथ आपको पढ़ाई करने का एक मौका मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टेक्स्ट बुक की इनहाउस फैकल्टीज हैं उनके साथ आप डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस कर सकते हो, जिसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनके साथ आप डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हो. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द अफोर्डेबिलिटी वाला कॉम्पोनेंट, तो अगर आप कहीं पर भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो अपने घर से दूर किसी बड़े शहर में जाके, तो सिर्फ कोचिंग की फीस लगभग 2 से 2.5 लाख के ऊपर जाएगी. इसके अलावा आपको आपके हॉस्टल और मेस की फीस अलग से देने पड़ेंगे. वही अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो लगभग 50,000 से भी ज़्यादा वो लोग आपको चार्ज करेंगे. पर वही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको GS कोर्सेज विच इज़ फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड, उसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज, उसके अलावा टेस्ट सीरीज एंड स्टडी नोट्स, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको मात्र 39,999 रुपीज़ में प्रोवाइड करती है. पर आपको ये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे जो है मेरा नाम आकाश, और जैसे ही आप मेरे कूपन कोड यूज़ करोगे आपको 25% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और ये पूरी कॉस्ट बॉइल डाउन हो जाएगी 29,999 रुपीज़ में. ओके, फाइन. सो दिस वॉज फ्रॉम माई एंड. दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए वापस मेरे साथ जुड़ जाइएगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आवर एंड. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय.